नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। आज हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट या स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यदि आपको हमारे पुराने वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप इनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेनली अगर कहा जाए तो प्लांट में पाया जाता है। यदि देखा जाए तो ये प्लांट में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें मेनली जो होता है वो फूड या भोजन का निर्माण होता है, भोजन बनता है, फूड फॉर्मेशन होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसे हम सेल का किचन भी कहते हैं। प्लांट क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें मेनली क्या है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है मेनली अगर देखा जाए तो ये प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में पाया जाता है और इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है भोजन का निर्माण करना, फूड का निर्माण करना, भोजन का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए इसे हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। किचन ऑफ द सेल, कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि इसमें भोजन बनता है। जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी बनती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें भोजन बनता है, इसीलिए इसे कहा जाता है किचन ऑफ द सेल। तो क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, कोशिका का किचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का किचन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या होता है। देखो, यदि हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है। यदि हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट इस तरह से एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, एक दोहरी झिल्ली से घिरी ऐसी संरचना होती है। कौन, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, एक मेम्ब्रेन ए हो गई और इसकी दूसरी मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन ए है, ठीक है, और इसकी दूसरी मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो वो ए है, ए इसकी डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट कैसी है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट काय से घिरा होता है, एक डबल मेम्ब्रेन से घिरी संरचना होती है। इस तरह से इसको पूछ लेते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट इस तरह से एक डबल मेम्ब्रेन से घिरी संरचना है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन से घिरी संरचना है। क्लोरोप्लास्ट में ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन या आउटर क्लोरोप्लास्टिक मेम्ब्रेन। इसको क्या कहा जाता है, आउटर मेम्ब्रेन। ये जो है इसको बोलते हैं आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो होती है इसको बोलते हैं इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। एक को बोलते हैं आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन और दूसरे को बोलते हैं इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन और इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन के बीच एक स्पेस होता है, इसको क्या कहा जाता है, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। क्या कहा जाता है, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। क्या कहते हैं, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन से घिरी संरचना है। सबसे बड़ी बात याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसी ही स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन से घिरी संरचना है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन से घिरी संरचना है।
ठीक है। तो कहा जाता है कि ऐसे कौन से ऑर्गेन हैं जो डबल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स में नंबर एक माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर दूसरा क्लोरोप्लास्ट और नंबर तीसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेन से घिरी स्ट्रक्चर है। तो हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन से घिरी संरचना है, डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन एक इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन होती है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच एक स्पेस पाया जाता है जिसे पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। अब हम आपको बताएं यहाँ क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ ऐसी ऐसी ये सिक्के नुमा कहें या अपन कहें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इन एक स्ट्रक्चर्स को एक को हम इस यदि एक की बात कहें तो इस एक को हम बोलते हैं थायलेकोइड। क्या कहा जाता है? थायलेकोइड कहते हैं एक को। एक यदि इसकी सिंगल की बात करें तो एक एक मतलब एक कहा जाए कि एक बंच लाइक स्ट्रक्चर है। एक मतलब जैसे सिक्के अपन स्टैक ले, एक गड्डी ले ले सिक्के की, एक के ऊपर एक के ऊपर एक सिक्का रखते जाए तो एक सिक्के को क्या कहेंगे? थायलेकोइड। और इस पूरे बंच को, सिक्के के पूरे बंच को बोलते हैं ग्रेनम। क्या कहा जाता है? ग्रेनम कहा जाता है, ग्रेनम कहा जाता है। तो ये बंच ऑफ थायलेकोइड, यानी यदि ग्रेनम की बात करें तो ग्रेनम एक्चुअल में क्या है? बंच ऑफ थायलेकोइड। थायलेकोइड के बंच को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये एक ग्रेनम है, ये एक ग्रेनम है, ये दूसरा ग्रेनम है। इसको अगर देखा जाए दो ग्रेनम को जोड़ने के बीच में यहां पर एक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमेटल थायलेकोइड। ये जो है ये थायलेकोइड है और यहां पर ये जो भरा होता है इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। ये जो भरा हुआ है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो एक पदार्थ भरा होता है, एक सब्सटेंस भरा होता है, एक मैट्रिक्स भरा होता है जिसको कहा जाता है स्ट्रोमा, ठीक है। ये जो है इसको कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेली या स्ट्रोमा थायलेकोइड, स्ट्रोमा थायलेकोइड इसको बोलते हैं, स्टेमा थायलेकोइड या स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, ठीक है। यहां पर जो है इसके स्ट्रोमा में एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इस तरह से सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए का पाया जाना जो है ये मेनली एक कहा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। किसमें होता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये जो है ये क्या है? सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। एक वृत्ताकार डीएनए होता है और इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इस तरह के इसमें क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम जो होते हैं 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। किसमें? इस क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम होते हैं। 70S राइबोसोम जो है ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। अब यदि हम बात करें इसकी तो इसमें क्या होता है, जो स्ट्रोमा है और थायलेकोइड, थायलेकोइड में जो है वो लाइट रिएक्शन चलती है। थायलेकोइड में कौन सी रिएक्शन चलती है? थायलेकोइड में जो है वो लाइट रिएक्शन पूरी होती है। अब चूंकि ये क्लोरोप्लास्ट में भोजन का निर्माण होता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में फूड बनता है क्लोरोप्लास्ट में, और फूड की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो जो अगर अपन कहें तो लाइट रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती है? थायलेकोइड में या ग्रेना में। कहाँ पर? ग्रेना में कंप्लीट होती है। और डार्क रिएक्शन जो है, ये डार्क रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती है? स्ट्रोमा में। कहाँ कंप्लीट होती है? यहाँ पर चलती है, स्ट्रोमा में चलती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पीएमटी और नीट वगैरह में या अच्छी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती है, तो लाइट रिएक्शन ग्रेनम में कंप्लीट होती है और डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। ये डार्क रिएक्शन यहाँ कंप्लीट होती है। कहाँ पर? स्ट्रोमा में। क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन स्ट्रोमा में कंप्लीट ग्रेना में कंप्लीट होती है और डार्क रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती है? स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है, स्ट्रोमा में पूर्ण होती है। अब हम आपको बताते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट में कुछ एक एंजाइम भी पाए जाते हैं, इस तरह के एंजाइम पाए जाते हैं और इनको कहा जाता है रूबिस्को। क्या कहा जाता है? एक कुछ एंजाइम पाए जाते हैं और इन एंजाइम को कहा जाता है रूबिस्को एंजाइम। क्या कहा जाता है? रूबिस्को
और इसको एंजाइम कहते हैं, किसको, इस एंजाइम को। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये ग्रेना की लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थाइलेकोइड में कंप्लीट होती है। तो अब हम बात करते हैं कि थाइलेकोइड की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की होती है, किसकी स्ट्रक्चर, ये थाइलेकोइड जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो हम एक थाइलेकोइड को लेते हैं, तो हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं। देखो, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाने वाला एक सेल ऑर्गेनेल्स है, एक कोशिकांग है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है। ठीक है, प्लांट सेल में पाया जाने वाला एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर मेनली भोजन का निर्माण होता है, जिसके अंदर फूड फॉर्मेशन होता है। इन विच इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट फूड आर फॉर्म, क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। भोजन जो है, यहाँ की यदि अपन बात करें तो इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का किचन कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से घिरी स्ट्रक्चर होती है, इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच एक स्पेस पाया जाता है जिसे पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। इसमें कुछ सिक्के नुमा ऐसी संरचना होती है जिन्हें थाइलेकोइड कहते हैं। जब अनेक थाइलेकोइड मिलती हैं तो उसे हम ग्रेना कहते हैं। दो ग्रेना आपस में जुड़े होते हैं जिसे स्टोमा लैमेली या स्टोमा थाइलेकोइड कहते हैं। इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, कुछ रुबिस्को एंजाइम पाए जाते हैं। इस वाले भाग को स्टोमा कहते हैं। स्टोमा में डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है और ग्रेना में लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हम थोड़ी सी बात और करते हैं, अब हम इसको मिटाते हैं। देखो, यदि हम बात करें इसकी कि इसकी स्टोमा जो है और इसका जो ग्रेना जो है, थाइलेकोइड जो है, यदि हम बात करें तो थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। मैंने कहा ये थाइलेकोइड है। यदि हम एक थाइलेकोइड की बात करें तो स्वाभाविक है थाइलेकोइड में या ग्रेना में कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन। कौन सी कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो है, ये यहाँ पर अगर अपन देखें, एक बना रहे हैं अपन, क्या यहाँ पर ये बना रहे हैं, सिंगल थाइलेकोइड। ये सिंगल थाइलेकोइड है, यदि हम बात करें सिंगल थाइलेकोइड की, तो ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है और ये थाइलेकोइड की कैविटी है। ये थाइलेकोइड की क्या है, एक क्या थाइलेकोइड की क्या है, मेम्ब्रेन है। ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये थाइलेकोइड की कैविटी है। हम आपको बताएं थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में जो है, यहाँ पर पाए जाते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल। क्या पाए जाते हैं, अपन नीले कलर से ले लेते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल। और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो हैं वो, उनकी स्ट्रक्चर झंडे की तरह होती है, जैसे फ्लैग होता ना, वैसी होती है क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर। कैसी होती है, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर झंडे की तरह होती है, इस तरह से। और इसके बीच में जो है वो मैग्नीशियम आयन होते हैं। क्या होते हैं, मैग्नीशियम आयन होते हैं, ये है क्लोरोफिल। तो इसकी इसकी दीवार में क्या होते हैं, एक क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है। काय के मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। और ये अगर अपन देखें तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जो है, और इसकी अगर अपन देखें, इसको अपन यूं ले लेते हैं, एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, ये क्या है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। इसके बीच में पाया जाता है ऐसा मैग्नीशियम आयन, और यहाँ पर ये होती है टैल। तो इसके दो भाग होते हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के दो भाग होते हैं। इसको कहा जाता है, ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं पोरफायरिन हेड, पोरफायरिन हेड कहते हैं, पोरफायरिन हेड। और ये जो होती है इसको कहा जाता है फाइटोल टैल। क्या कहा जाता है, फाइटोल टैल, ठीक है। ये पोरफायरिन हेड है, इसमें ये मैग्नीशियम कंटेनिंग। तो अगर हम कहें तो हीम और क्लोरोफिल में एक अंतर होता है, हीम में यहाँ पर आयरन होता है। हीम की यदि बात करें तो यहाँ पर आयरन होता है, और यदि क्लोरोफिल की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, यहाँ पर मैग्नीशियम होता है। तो क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग है, मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग है, मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग क्या है भैया, ये है मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन, क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। और यदि हीम की बात करें, हीम क्या होता है, तो हीम होता है आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन, आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन।
उसमें आयरन पाया जाता है। यहाँ मैग्नीशियम की जगह अगर आयरन लग जाएगा तो उसको हम कहने लगेंगे हीम। क्या कहेंगे? हीम। तो इस तरह से जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल यदि कोई पूछे कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। ये क्या है? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो वो पाया जाता है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। ठीक है, धन्यवाद। अभी हम ये है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, एक क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं, और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल कहाँ पाए जाते हैं? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। तो यदि इसमें से हमसे कोई पूछे कि फूड का फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, तो आंसर है क्लोरोप्लास्ट। कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कितने स्टेप में होती है, तो दो स्टेप में होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? तो लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? तो डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। यदि ग्रेना ग्रेना कहें तो ग्रेना काय से बने होते? थाइलेकोइड से। थाइलेकोइड क्या होता है? थाइलेकोइड जो है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं क्लोरोफिल, और एक क्लोरोफिल क्या करते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अगला हम इसके क्लोरोप्लास्ट के अगले वीडियो में लेते हैं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।